हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक ट्रायंगल होगा, उसके अंतर्गत हम डिफरेंट सेक्शंस देखेंगे। इसमें ट्रायंगल्स में अगर सिलेबस का बात किया जाए तो ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी, फर्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट जो होगा वो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलरिटी, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल सम स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट, और लास्ट में हम लोग लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स डील करेंगे। तो ये वन पॉइंट वाइज पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। सपोज कोई भी एक ट्रायंगल ए बी सी हमने मान लिया, जिसका वर्टेक्स ए बी एंड सी है। तो यहाँ पे ए की सामने वाले साइड को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और सी के सामने वाले पार्ट को हम लोग सी से जनरेट नोट करते हैं। पहला प्रॉपर्टी यह होता है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स angle is equal to 180 degree. That means angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree के equal होता है। दूसरा जो property होता है कि कोई भी triangle कब form हो पाएगा, इसके लिए एक condition होती है कि जब भी साइड हमें A, B और C एक triangle का दिया हुआ है तो कोई भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ग्रेटर होता है, एंड सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, एंड दैट मींस हम कह सकते हैं ए प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी, सेम वे बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, एंड सी प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी। दिस प्रॉपर्टी होल्ड एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल तभी फॉर्म कर पाएगा जब दो साइड का सम हमेशा तीसरे से ज्यादा हो। सेम वे इसी को हम आगे भी प्रोसीड करते हैं। तो अगर यहां पे b का वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहें तो b ग्रेटर देन c माइनस a हो जाता है, और सेम वे यहां से इस इक्वेशन से अगर b हम फाइंड आउट करना चाहें तो b इज ग्रेटर देन a माइनस c होगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि b greater than c minus a है और b is always greater than a minus c, तो ये contradiction है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मोड़ लगा देते हैं। तो मोड़ लगाते हैं तो अब इसका differences जो होंगे वो देखा जाता है। तो b यहाँ पे दोनों के केस में greater than हो सकता है। तो ये सम प्रॉपर्टी है। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। सपोज हमने मान लिया कि ए बी और सी तीन साइड्स है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 5, बी का वैल्यू दिया हुआ है 7, पर हमसे कहता है कि आप सी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि सी का वैल्यू क्या होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो सी का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन और लेस देन होगा, तो ग्रेटर देन किस से, तो सम से। दो साइड्स तो बच गए हमारे पास, वो दोनों का एडिशन होगा, और किससे बड़ा होगा तो दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा a माइनस बी इनसे बड़ा होना चाहिए, यानी जो रेंज होगा हमारा c का वो a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में लाइक करेगा।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 माइनस 5 है ना, डिफरेंसेस हमें देखने हैं, तो डिफरेंस यानी ऐसे ही लिख सकते हैं 5 माइनस 7 का मोड इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन a प्लस b यानी 5 प्लस 7। तो दैट मींस इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन c इज ग्रेटर देन 12। एंड दैट मींस जो c हमारा थर्ड साइड है उसका वैल्यू 2 और 12 के बीच में लाया करेगा। अगर यहीं पे हमें पूछता कि c का वो वैल्यू बताइए जो प्राइम नंबर को बताता है, तो प्राइम नंबर के लिए हम सिंपल साइज में 2 से लेके 12 तक टोटल प्राइम नंबर लिख देते हैं। तो 2 के बाद का जो अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 3 होता है, फिर 5 एंड देन 7 एंड देन 11 एंड टोटल जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर होगा वो 4 हो गया। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी देखते हैं ये तो हुआ कि जनरल सभी टाइप्स के जो ट्रायंगल है उसके लिए ये वैलिड होते हैं। अब क्या होता है कि हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इनका जो साइड्स है और एंगल्स में रिलेशन क्या होते हैं, साइड एंड एंगल्स रिलेशन। तो सपोज मान लीजिए कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन c है, ये हमें साइड्स का रिलेशन दिया हुआ है कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c। हमसे एंगल पूछता है कि एंगल्स क्या होंगे, तो चूंकि a के अपोजिट में देखा जाए वर्टेक्स a है तो a एंगल डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो साइड्स जितना बड़ा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है उसका एंगल उतना ही ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम a के लिए यानी वर्टेक्स a का जो एंगल होगा वो ग्रेटर होगा एंगल b से, और b का जो एंगल उसका वैल्यू होगा वो c से ज्यादा होगा, तो एंगल c, ये रिलेशन होता है। ये तो हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। कभी कभी क्या होता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि हम लोग अगर ट्रायंगल्स के टाइप में देखते हैं तो दो तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड के अलावा क्या रहता है, इसमें तीन तरह के ट्रायंगल होते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा जो होता है आइसोसेल्स और तीसरा होता है स्केलर। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो जो पिछले दो तीन हमने डील किया उसी से आ जाता है, लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के आधार पे कितने तरह के ट्रायंगल बनते हैं। तो यहाँ पे एंगल के आधार पे तीन तरह के ट्रायंगल बनते हैं, जिसमें कि फर्स्ट एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल, और जो थर्ड होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि किस तरह के ट्रायंगल को पहचानने, इस तरह के ट्रायंगल को पहचानने के लिए हम कौन सा रूल्स यूज होता है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल कहता है तो ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, यानी प्रत्येक एंगल लेस्ट एंगल का जो होता है वो 90 से कम होता है। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें एक एंगल वन एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री इक्वल होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं तो वन एंगल इज ऑब्ट्यूज दैट मींस ग्रेटर देन 90 से एक एंगल अगर बड़ा हो तो उस तरह के ट्रायंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो राइज किए जाते हैं वो हमें तीन साइड्स दिए हुए रहेंगे,
तीन सेट्स मान ले, मान लेते हैं सेट जो दिए हुए हैं ए बी और सी दिया हुआ है और हमसे पूछा जाता है कि ये किस टाइप के ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल है, दैट मींस एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में हमसे पूछा जाता है। एक और रिलेशन यहां पे दिया हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, तो हम किस तरह से ट्रायंगल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जब भी अगर एक्यूट एंगल की बात करती है तो इसके लिए एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि जो हमारा साइड्स है ए बी एंड सी, तो जो दो लोवेस्ट साइड्स हैं जो उनका स्क्वायर का सम हमेशा बड़ा होता है जो लार्जेस्ट साइड है उससे, एंड दैट मींस आप ये कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। जो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल होगा, और नेक्स्ट अगर ऑब्ट्यूज एंगल का बात किया जाए तो सम ऑफ द टू साइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। अगर इस प्रॉपर्टी को अगर होल्ड करता है तो हम उस तरह के ट्रायंगल्स को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। तो सपोज हमने मान लिया एक 5 है, 7 है और एक 10 है। अब इनका दो का सम यानी पहले तो स्क्वायर निकाल लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 100 का स्क्वायर सॉरी 10 का स्क्वायर 100। अब इन हमने 3 सेट्स 5 7 और 10 दिया, 5 का स्क्वायर किया 25, 7 का स्क्वायर 49 एंड 10 का स्क्वायर 100। अब इसमें रिलेशन देखा जाए, अगर इनका सम किया जाए इन दोनों का तो ये आपका हो जाएगा 4 एंड 7, 74 एंड 100। ए प्लस बी का सम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सम है वो सी स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, तो दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी को हर्ड हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। तो दैट मीन्स हम इस ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो फुलफिल हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि इस साइड से जो बनने वाला ट्रायंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ए बी और सी है, इसमें अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो यहाँ से एक रिलेशन होता है कि ये जो एंगल होगा ए सी का अपोजिट में एंगल बी है और ए बी के अपोजिट में एंगल सी है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद अगर कोई एक ट्रायंगल ए बी एंड सी है, बी सी को आगे डी तक अगर हम इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एंगल ए सी और डी, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहते हैं इस एंगल को हम लोग एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। तो इनका सम क्या होगा, तो सपोज हमने मान लिया कि ये एंगल x है और ये एंगल y, तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी यानी इन तीनों एंगल्स का इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसको अगर c को निकालना है तो हम इन दोनों को ऐड करके 180 से घटा देंगे, तो हम यहाँ पे पाते हैं 180 माइनस x माइनस
x या फिर यहाँ पे y कर देते हैं x माइनस y। अब अगर बाहर एक्सटीरियर एंगल का तो एक प्रॉपर्टी होता है लीनियर पेयर तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे भी लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, तो इन दोनों का जो सम है वो 180 के इक्वल है, तो यहाँ पे इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। तो अगर ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है तो 180 माइनस दिस करना होगा, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा x प्लस वाई। तो इस तरह हमने देखा कि x प्लस जो वाई है वो अंदर का जो दो इंटीरियर एंगल है x प्लस वाई उनका सम हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है कि वन एक्सटीरियर एंगल उसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये यहाँ से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक्स होता है वो है हमारा सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो उसको जानने से पहले हम यहाँ पे कुछ लाइंस के बारे में जानेंगे, जिसमें कि लाइंस उसमें हम मीडियम लाइंस में जो हमने देखेंगे वो मीडियम, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर, देन परपेंडिकुलर, देन एल्टीट्यूड एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये सभी लाइंस के बारे में हमें जानने होंगे। अब इन सभी के लाइंस का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो क्या फॉर्म करते हैं, तो उसे हम सेंटर के नाम से, यानी सेंटर जो बनेंगे वो मीडियम को इंटरसेक्ट करने वाला सेंट्रॉइड बनता है, एंगल बाइसेक्टर से एंगल बाइसेक्टर को जो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उनसे इन सेंटर और परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनसे सर्कम सेंटर, एल्टीट्यूड से ऑर्थो सेंटर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर से एक्सटर्नल एक्सटर्नल सेंटर। तो ये पांच तरह के लाइन्स हम पढ़ेंगे और इसमें जो सेंटर फॉर्म होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो पहले हम लोग मीडियम से स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो कोई भी एक ट्रायंगल मान लिए कि ए बी सी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें वर्टेक्स ए कहा जाता है और बी सी के मिडिल पॉइंट में एक डी पॉइंट दिया हुआ है। ये बी सी को बी सी का मिडिल पॉइंट है, यानी हम लोग कह सकते हैं BD इक्वल टू CD है। अगर A से D तक अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो इस लाइन को हम लोग मीडियम के नाम से जानते हैं। ये जो लाइन होता है वो मीडियम होता है, यानी कोई भी एक ट्रायंगल ABC, BC का मिडिल पॉइंट D है और अगर वर्टेक्स A से D तक एक लाइन ड्रॉ किया जाए, जो ये तो हाफ है ही, यानी दैट मींस ये एंगल भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसे हम मीडियम कहेंगे। अब इसमें एक ट्रायंगल में देखा जाए तो तीन मीडियम्स हम ड्रॉ कर सकते हैं और तीनों मीडियम जहां पे मीट करते हैं ये ई एंड एफ मान लिए। अब इन सब का जो मीटिंग पॉइंट है इसी को हम लोग सेंट्रॉइड सी से डिनोट करते हैं, सेंट्रॉइड। अब
इसमें हम लोग एक एक करके यहाँ पे प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्या क्या इसका और प्रॉपर्टी है। ABC ट्रायंगल है, उसमें AD मीडियन हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि इस मीडियन का लेंथ पूछ लिया जाता है, तो ये मीडियन का लेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर यानी AB का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर this equals to twice of this and median का twice का whole square, AD का whole square plus BC half of the BC का whole square। यहाँ पे हम सेपरेट कोई एक पार्ट भी लिख सकते हैं, ये BD का whole square या फिर CD का whole square। हमने यहाँ पे इस पूरे का half का whole square लिख दिया। सेम वे अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, इस वर्टेक्स सी से हमने ए बी के मिडिल पॉइंट्स ई पे एक पॉइंट डाला, तो अब अगर हम लोग सेम वे ई सी का अगर लेंथ हमें फाइंड आउट करना है, ये भी मीडियम ही है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से दिस BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB का होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ CE का होल स्क्वायर प्लस दिस लेंथ का हाफ का होल स्क्वायर हाफ प्लस AB का होल स्क्वायर। सेम वे इफ वर्टेक्स B से AC के मिडिल पॉइंट F तक का जो मीडियन है यानी बी एफ, अगर इस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी एफ का होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए सी का होल स्क्वायर। ये हमने इस सेपरेट मीडियम को डिनोट किया इस तीन इक्वेशन में, से हम तीन इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री। अब अगर इन इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो पाते हैं कि ए बी एंड ए बी यानी यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ यहाँ पे ए सी एंड ए सी दो टाइम्स ए सी ए सी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम बी सी का होल स्क्वायर। दिस इक्वल्स टू अगर इस साइड्स में देखा जाए तो इसमें दो कॉमन है तो दो यहाँ से निकाल लिए तो हमें बच गया ए डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर ना हियर ए बी स्क्वायर एंड दिस साइड इज आल्सो ए बी स्क्वायर, तो हाफ इज सब्ट्रैक्टेड देन हियर एंड ट्वाइस में से अगर हाफ को घटाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 3/2 ए सी का स्क्वायर प्लस सेम वे ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर एंड हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर तो अगेन 3/2 ए सी स्क्वायर एंड अगेन दिस बी सी स्क्वायर एंड अगेन हेयर हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर। तो इस साइड लाने पर ये 3/2 का बी सी स्क्वायर हो गया।
this equals to twice of AD square plus C square plus BF square. अब यहाँ पे दो सब में कॉमन है, इसे अगर हम लोग दो को हटा देते हैं तो ये दो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फोर टाइम्स होगा। तब यहाँ से हमने एक रिजल्ट देखा, इसको और आगे टर्मिनेट करते हैं, थ्री यहाँ पे कॉमन है तो ए सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए बी होगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज फोर टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। तो इस रिजल्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, sometimes directly question asks relation between the sides of this triangle and the median of this triangle. So 3 times side side square ab square plus ac square plus bc square is equal to 4 times of median ka square, median ad square phir ce square and bf square. This is a very important and standard formula for this concept. कभी कभी क्या है कि इस तरह के डायरेक्ट आएंगे या नहीं तो आपको लेंथ मालूम होगा, sometimes आपका सभी मीडियम्स आपको दिए हुए हैं और अगर पूछा जाता है कि उसके साइड्स क्या होंगे तो यहाँ से हम डायरेक्टली पुट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो होता है कि ये जो सेंटर है इसको हम लोग सेंट्रोइड सी से डिनोट करते हैं, तो इनके बीच जो रेशियो होता है यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक वो हमेशा 2:1 के रेशियो में होता है, यानी हम कह सकते हैं कि AC:2 CD is 2:1. Same way, अगर हम इस साइड से देखते हैं तो एक कैपिटल यानी CC is to CE is also 2:1. यानी that means यहाँ पे मीडियम के ऊपर का पार्ट और लोअर पार्ट का जो रेशियो होता है वो 2:1 के रेशियो में होता है।